हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं डिंडोरा प्राइम, जिसमें होता है मीडिया सोशल मीडिया की वो वायरल खबरें जिन्होंने असल में डिंडोरा मचाया हुआ है। मेरा नाम है शाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं डिंडोरा प्राइम। चलते हैं हमारी पहली खबर की जानिब। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बार फिर आमने सामने। इस बार दो क्रिकेट टीम्स का मुकाबला नहीं बल्कि दो क्रिकेट बोर्ड्स का मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला तो तभी शुरू हो गया था जब जय शाह ने ट्वीट किया था कि हम पाकिस्तान एशिया कप नहीं जाएंगे, तो उसके हृदयमर में रमीज राजा उस वक्त के चेयरमैन ने कहा था कि हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। दोनों के इसी ट्वीट पर, इसी बयान के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ढिंढोरा तो मचा था, लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज चैनल्स ने इस पे हेडलाइंस भी लगाई थी। लेकिन जहाँ पे रिएक्शन आया था ऑडियंस का ट्विटर पे, उन्होंने रमीज राजा के इस फैसले पे बहुत ही एक सपोर्ट भी दी थी कि आपने ये स्टैंड बहुत अच्छा लिया। जबकि बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं, तो इंडिया को आकर मसला क्या है, क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान। ये कंट्रोवर्सी इस साल तब शुरू हुई जब 2023 और 24 एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट शेड्यूल जय शाह ने अपने अकाउंट से अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया। नजम सेठी ने अपने ट्विटर हैंडल में कहा कि 2023 ओडीआई एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान है। इस शेड्यूल को अनाउंस करने से पहले आपने पाकिस्तान से पूछना भी गवारा नहीं किया। रिसेंटली नजम सेठी ने एक इंडियन यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उनसे एक सवाल किया गया, बीसीसीआई ने आपको एक मेल भेजी थी जिसका आपने रिप्लाई नहीं किया, तो उसके जवाब में निगम सिटी का कहना था कि हमें ना कोई मेल भेजी गई और ना ही हमसे किसी किस्म का कंसर्न किया गया 2023 और 24 के क्रिकेट कैलेंडर के बारे में। अगर हम इस कैलेंडर में देखें, ऐसी इस कैलेंडर में क्या बात है जिससे पाकिस्तान इतना गुस्से में आया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग जिस तारीख को जिस डेट पर होती है, उसी डेट पे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी मैच रखे हुए हैं, जबकि जिस डेट पे आईपीएल स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है तब एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई मैच नहीं है। इसमें अपने आप में ही एक एक कंट्रोवर्सी बनती है और पाकिस्तान का गुस्सा भी जायज़ है। अगर आप पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान का पीएसएल स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है तब आप इस पे मैच रख सकते हैं, तो आईपीएल जब स्टार्ट होता है तो उस पे एशियन क्रिकेट काउंसिल मैच क्यों नहीं रख सकता। तो ये है एक खदशे की बात, आखिर ऐसा बीसीसीआई क्यों करता है। खाली एक क्रिकेट बोर्ड का इतना रिच होना ही काफ़ी है कि वो डिक्टेट कर दे। अगर ऐसी बात है तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी तो इसका हिस्सा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भी बहुत सारे, उनका रिएक्शन इस पे इतना सख्त क्यों नहीं आ रहा। आना चाहिए, अगर एक मुल्क के साथ आज गलत हो रहा है तो कल उनके साथ भी बीसीसीआई गलत कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके पास स्पॉन्सर है और कुछ पैसे हैं। अगर इंडिया के पास इतने पैसे हैं तो भाई अपने मुल्क की गुर्बत ही ख़त्म कर लो। सारा क्रिकेट में इतना पैसा क्यों डाला हुआ है आपने, जहाँ पीएसएल में एक प्लेयर कुछ लाख में आ जाता है, वहीं पे आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को करोड़ों में खरीदा जाता है। सोशल मीडिया पे बीसीसीआई से ये सवाल भी किया गया, जब एक प्लेयर पीएसएल में इतना सस्ता मिल सकता है तो उसको इतना महंगे पैसा देके क्यों खरीदा जा रहा है। कुछ उसके पैसे, अगर आपके पास क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे ज़्यादा हैं तो इंडिया के अंदर भाई बहुत भुखमरी है, आप वो पैसा उधर के भुखमरी में भी है। तो ये सोशल मीडिया पे एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है, तो आपका क्या राय इसके बारे में, तो हमें बताइए अपने कमेंट में।